शिवपुरी पुलिस ने एटीएम फ्रॉड के 3 अंतरराज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक महिला भी शामिल है। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सी चंदेल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार भूरिया के मार्गदर्शन में एसडीओपी सुधीर सिंह कुशवा और थाना प्रभारी थाना कोतवाली निरीक्षक बादाम सिंह यादव के नेतृत्व में एटीएम फ्रॉड बैंक फ्रॉड के आरोपियों की गिरफ्तारी में चलाए जा रहे अभियान के तहत आरोपियों की लगातार पतारसी की जा रही थी। उसी तारतम्य में थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा पुलिस टीम का गठन किया गया। उक्त टीम द्वारा 3 आरोपियों को कल दिनांक 28 जनवरी 2021 को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। तीनों आरोपी हरियाणा मेवात के रहने वाले हैं। आरोपियों से वारदात के बारे में पूछताछ की गई। शिवपुरी से संवाददाता की रिपोर्ट। एक अच्छी सफलता हम लोग को ये एटीएम के बैंक कार्ड कुछ ही हुए थे, इसमें एटीएम कार्ड को बदल के और दो वारदातें हमारे यहाँ हुई थी। हमने काफ़ी खोजबीन की गई थी और टीमों को लगाया गया था, तो इसमें हमारे एसडीओपी साहब जो सदर थे, उसमें कि नंबर गाड़ी का संदिग्ध आया था। उस गाड़ी के नाम पर के संबंध में पूछताछ में जानकारी लेने पे टीआई कोतवाली बादाम सिंह यादव को जानकारी मिली थी और उस पर से इनको पकड़ा गया है। इसमें 3 आरोपी हमें मिले हैं, जिससे 2 पुरुष हैं, एक महिला है। जो महिला है ये बीटेक है और दोनों लड़के अपने को 10+2 पास करना बताते हैं। ये लोग हरियाणा के रहने वाले हैं भूमका, और ये कि स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से घूम रहे थे, और इनका ये बताना है कि इनका मोटर ऑपरेटिव जो आया है कि बड़े शहरों के बजाय छोटे शहरों में जहाँ अवेयरनेस कम रहती है और एटीएम कार्ड चलाने में लोगों को दिक्कतें होती हैं, तो ऐसे टारगेटेड होकर एटीएम के पास रहते थे और महिला को भी इसलिए लिए रहते थे कि महिला के होने से कई लोगों को डाउट नहीं होता था। और उसके बाद जो कोई बुजुर्ग आदमी है या ऐसा व्यक्ति जिसको एटीएम की मशीन दिक्कत आ रही, तो सिर्फ अवेयरनेस में लेके उसको पिन देख लेते थे और हाथ की सफाई से उसका एटीएम कार्ड बदल देते थे। ये अपने साथ में कई तरह के एटीएम कार्ड रखते थे कि जिस बैंक में गए हैं उस बैंक के हिसाब से एटीएम कार्ड रखे रहते थे अपने पास, और उसको बदलने के बाद में उसे उसके पैसे निकाल लेते थे, क्योंकि पता होता था इनको। इस तरह की 2 घटनाएं जो हैं जो कोलारस और शिवपुरी में हुई हैं, वो उनके द्वारा स्वीकार की गई हैं वारदात करना, और अन्य बार के बारे में से पूछताछ किया है। इनको कोर्ट कोर्ट में पेश करके इनसे दिया, लेकिन इनसे और पूछताछ सर यहाँ शिवपुरी में जो वारदात की कितने इनके ट्रेनिंग की गई, उसमें 65,000-60,000 रुपये कहीं पर निकाले गए थे और उसी जगह से भी कोला से कुछ पैसा से निकाला गया। तो बेसिकली उसमें एटीएम कार्ड वाला था, और इनका ये कहना था कि हम जानबूझकर ऐसी जगहों को ढूंढते हैं जहाँ पे एक तो हमको सॉफ्ट टारगेट मिले जो हमारा पीछा भी नहीं कर सकते हैं उसे, और दूसरा कि जिनको प्रॉब्लम होती है एटीएम ऑपरेशन करने में, तो ऐसा महानगरों के बजाय छोटे शहर में ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमको ये आसानी से काम आता। रुपये बरामद कर लिए, कुछ पैसे बरामद हुए हैं अभी इनसे, लेकिन अभी और इनसे पूछताछ हो जाए। और भी जिलों में सर कोई वारदात वगैरह, वो इंटरोगेशन में और चीज़ें आएंगी, रिमांड में पूछेंगे इनसे, और इनका एक अभी निकाल रहे हैं कि कैसे क्या मूवमेंट इनके बाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।